पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रीडेवलप किए गए क्रिकेट और आर्चरी स्टेडियम का उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा, मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, रोहनी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, DDCA के चेयरमैन रोहन जेटली, DDA उपाध्यक्ष अनुराग जैन के अलावा DDA अधिकारी और BJP नेता मौजूद रहे। इस मौके पर अनिल बैजल ने कहा कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रीडेवलपमेंट किए गए क्रिकेट और आर्चरी स्टेडियम का फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा। अनिल बैजल ने कहा कि स्टेडियम की देखरेख सही ढंग से होनी चाहिए। अपकीप और मेंटेनेंस का देखिए, एक चीज होती है एक प्रोजेक्ट में एक चीज बना देना और दूसरा होता है उसको मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को। तो मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि मेंटेनेंस के लिए सारे यूजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि सिर्फ पर्सन एजेंसी लाइक DDA। आप लोगों को भी कुछ मिलकर के DDA के साथ इस तरीके से बनाना चाहिए कि कुछ लोगों का उत्तरदायित्व हो कि ये जो अब हमारे लिए आया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसी अवस्था में इफ नॉट बेटर इसी अवस्था में चलता रहे और लोगों का फायदा उठाता रहे। इस मौके पर गौतम गंभीर ने कहा कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पूरे मैदान को विकसित किया गया है। मेन ग्राउंड में 6 क्रिकेट पिच को फिर से बनाया गया है। इसके अलावा 4 टर्फ और 1 सीमेंटेड प्रैक्टिस क्रिकेट पिच बनाया गया है। स्टेडियम में चेंजिंग रूम को भी अपग्रेड किया गया है। डे नाइट मैच आयोजित करने के लिए हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के चारों ओर एक जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है। इसके साथ ही आर्चरी स्टेडियम भी डेवलप किया गया है। गंभीर ने कहा कि इस स्टेडियम में नवंबर माह में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्वी दिल्ली के सभी 10 विधानसभा की टीम हिस्सा लेगी। पीछे यहाँ के बच्चे एक मिनट सर पूरा इस्तेमाल कर सके, अपना अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने माता पिता का भविष्य बेहतर कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। और सर कितनी लागत में ये पूरा स्टेडियम बना है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए इसमें 1.5 करोड़ की बाकी हमने अंदर जाके देख सकते हैं किस तरीके का हमने ड्रेसिंग रूम बनाया, तो हर तरीके की फैसिलिटी है। फिजियो रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, रिक्लाइनर चेयर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 6 विकेट्स हैं और जो हमने बेस्ट क्यूरेटर से दिल्ली में जो बेस्ट क्यूरेटर है उससे बनाई है। अगर आप आउटफील्ड देख लीजिए तो लास्ट स्क्रीन, तो हर तरीके से हमने वो फैसिलिटीज़ दी। और साथ ही मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट की फैसिलिटी नहीं, ये आर्चरी का भी यहाँ पर इसी तरीके के कॉम्पिटिशन होंगे जैसे पहले हुआ करते थे, उससे बेहतर स्तर पर हुआ करते। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मेरा काम किसी और स्पोर्ट्स को छीनना नहीं बल्कि उनको कुछ देना है, और इसी तरीके की हमने फैसिलिटी क्रिएट करी। अच्छा ये बताइए सर, दर्शकों की बात करें तो कितने लोगों की यहाँ व्यवस्था है दर्शकों के लिए? देखिए हमारे पास ये प्रपोजल थी कि हम यहाँ पर टेम्पररी स्टैंड बना सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आर्चरी को एक बेन फैक्टर की जरूरत होती है और उसके चलते हुए हम ये नहीं चाहते थे कि वो किसी तरीके से अफेक्ट हो। तो यहाँ पर अगर आपने स्टैंड देखे होंगे वहाँ पर अगर 3-4 हज़ार लोग आ सकते हैं, साथ में कैनोपीज हमने लगाई है, ग्रीन माउंट बनाए हैं, वहाँ पर भी लोग आके मैच देख सकते हैं। तो ये हमने कोशिश करी कि लोग यहाँ पर आए और एक अच्छे मौसम आराम से अपनी रिलैक्स होकर मैच देख सकते हैं। प्रीमियर लीग के बारे में बताएं सर, ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के होने के बाद मैंने ये चीज़ मंच से भी बोली थी कि मैं दिल से ये चाहता हूँ कि जब हमने ये फैसिलिटी क्रिएट करी है तो यहाँ पर जो पहली गेम डाले वो भी ईस्ट दिल्ली का बच्चा ही डाले और जो पहली गेम खेले वो भी ईस्ट दिल्ली का बच्चा ही खेले। तो हम एक ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू करेंगे नवंबर के महीने में, एग्जैक्ट डेट्स आपको पता चल जाएंगे। जो 10 विधानसभा हमारे यहाँ पर 10 टीमें होंगी और वो 10 की 10 टीमों में हम ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पर आएँ और इसका एक्सपीरियंस दें। मैं ये नहीं चाहता कि किस तरीके की क्वालिटी क्रिकेट होगी। देखिए मेरा काम क्वालिटी क्रिकेट नहीं है, मेरा काम है यहाँ पर बच्चों को एक फैसिलिटी देना, एक एक्सपीरियंस देना जिससे वो जब वापस जाएँ तो वो एक ऐसी चीज़ लेके जाएँ कि वो आगे क्रिकेट खेलना चाहें। तो इसलिए हमने उस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करी और मैं चाहूँगा कि हम 250 से 300 बच्चों को यहाँ पर एक मौका दें कि वो अपना नाम रोशन कर सकें और ईस्ट दिल्ली का भी नाम रोशन कर सकें, क्योंकि अगर ईस्ट दिल्ली में कोई बच्चा अच्छा आगे निकलता है और देश का नाम रोशन करता है तो ये हम सबके लिए गर्व की बात। तो कोई एकेडमी खोला जाएगा यहाँ? देखिए एकेडमी यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है, पंकज सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है उनको अकेडमी मिली है, तो वो अकेडमी चल ही रही है। कोविड के चलते वो अकेडमी रुकी हुई थी लेकिन अब फिर से